नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, अपने फ्लैगशिप योजनाओं की सीरीज पढ़ रहे हैं और आज 7वीं क्लास है अपनी। और जो फ्लैगशिप योजना है वो कौन सी है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इस पर अपने बात करेंगे। बहुत खास योजना है, बहुत सारे एग्जाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चन पहले भी पूछे गए और अभी भी पूछे जाएंगे दोस्तों। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, सबसे पहले अपने बात करें कि इस योजना की जो शुरुआत हुई वो कब हुई है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत देखिए कब हुई है। इसकी शुरुआत हुई है 1 मई 2021 को। कब हुई है? 1 मई 2021 को। ध्यान रखना है आपने, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2021। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई है? 1 मई 2021 को हुई है दोस्तों। कब हुई है? 1 मई 2021 को हुई है। प्रदेश के सभी निवासियों को बीमारी के इलाज के भारी भरकम खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार 1 मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने जा रही है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी थी दोस्तों। आगे बात करें अपने कि इस योजना के, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के उद्देश्य क्या हैं, तो देखिए, पात्र परिवारों को स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय जो है वो क्या करना है, कम करना। यानी कि जो इसमें पात्र होंगे उनके स्वास्थ्य पर लगने वाले खर्चे को क्या है, कम करने की कोशिश है। एक बात। दूसरी बात, पात्र परिवारों का राजकीय अस्पतालों के साथ साथ योजना में संबद्ध निजी चिकित्सालयों के माध्यम से गुणवत्ता पूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। यानी कि सरकारी जो हॉस्पिटल है वो तो इसमें शामिल है ही है, इसके साथ साथ निजी अस्पतालों में भी आप क्या करवा सकते हो, इस योजना के तहत इलाज करवा सकते हो जो इस योजना में शामिल है। राज्य के पात्र परिवारों को योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियों का निःशुल्क क्या करवाया जाएगा दोस्तों, इलाज करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, देखिए इसमें क्या मिला था। बजट घोषणा 2022-23 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो था वो कितना था दोस्तों, 10 लाख रुपए प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा था, जिसमें राज्य के सभी परिवार एवं आयु वर्ग के लोग जो है वो शामिल थे, है ना। सभी आयु वर्ग के लोगों को इसमें क्या रखा गया था दोस्तों, शामिल इसमें रखा गया था। अब देखिए, अब क्या किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नवीन बजट जो 2023-24 में अभी पारित हुआ है, 2023-24 का जो बजट है, वह प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दिए दोस्तों, तो 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिए। अच्छा क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा की राशि को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। 10 लाख से बढ़ाकर दोस्तों 25 लाख जो है वो प्रतिवर्ष कर दिया है साथियों, ये ध्यान रखना है। और अच्छा क्वेश्चन है, लाभार्थी को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के बारे में अगर जानकारी हो तो, यानी कि चिकित्सा प्रक्रिया से पूर्व 5 दिन तथा अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन का परामर्श, जांच एवं दवाइयां इसमें क्या की गई हैं, सम्मिलित की गई हैं दोस्तों। योजना में प्रीमियम की जो राशि है वो क्या है साथियों, इन परिवारों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। यानी कि कुछ परिवारों को प्रीमियम देना होगा परंतु कुछ परिवारों को कोई प्रीमियम देना नहीं होगा। तो इस योजना का जो लाभ लेना चाहते हैं, ऐसे परिवार जिन्हें जिनका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा, वो अपने आप इस योजना में पात्र हो जाएंगे। वो कौन कौन से, देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र परिवार, यानी कि ऐसे परिवार जिन्हें डिपो से फ्री में क्या मिल रहा है दोस्तों, खाद्यान्न मिल रहा है, यानी कि गेहूं मिल रहा है, उन्हें कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप इसमें क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, लघु एवं सीमांत किसान, यानी कि लघु एवं सीमांत जो किसान है वो इसमें शामिल हो जाएंगे। राज्य सरकार के सभी संविदा कर्मी इसमें शामिल हो जाएंगे फ्री में। कोरोना के दौरान आर्थिक सहायता पाने वाले परिवार भी इसमें फ्री में उनको क्या किया है दोस्तों, सम्मिलित किया है। अब इन परिवारों के अलावा जो परिवार बच जाएंगे साथियों, उनको क्या करना होगा, तो देखिए उनको क्या करना है, शेष अन्य परिवारों का भी प्रीमियम बड़ा हिस्सा सरकार उठा रही है, उन्हें केवल कितने देने हैं दोस्तों, 850 रुपये वार्षिक देने।
ऐसे परिवार जो इस श्रेणी में नहीं आते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 850 रुपये देकर वो अपना बीमा कवर कर सकते हैं दोस्तों, या बीमा जो है वो करवा सकते हैं। और क्या खास बात है दोस्तों योजना की, नवीन बजट में सभी EWS परिवारों को भी चिरंजीवी योजना का लाभ जो है वो क्या दिया जाएगा दोस्तों, निःशुल्क दिया जाएगा। नवीन बजट 2023-24 में इस बात की घोषणा की है कि जो EWS के परिवार हैं उनको भी ये निःशुल्क बीमा योजना उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जो दुर्घटना बीमा योजना है और उस पर अपने बात करें तो देखिए 5 लाख का दुर्घटना बीमा था, कितने का दोस्तों 5 लाख का दुर्घटना बीमा था, और इस 5 लाख को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, अब 10 लाख कर दिया गया। जैसे 10 लाख की बीमा राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 25 लाख कर दिया गया है, वैसे ही 5 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया दोस्तों, तो 10 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया इसको, 10 लाख इसको कर दिया गया है। आज का सवाल जो है, अगर बात करें अपने कि भाई आज का सवाल क्या है, आज का सवाल है हाल ही में अंधता निवारण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। आने वाले एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल सकता है साथियों कि हाल ही में अंधता निवारण के लिए पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। अब इसका आपने जो जवाब देना है दोस्तों वो कहाँ देना है, वीडियो समाप्त होने पर कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो जब समाप्त हो जाएगा उसका कमेंट बॉक्स में इसका क्या देना है दोस्तों, जवाब देना है। जो पिछला सवाल था उसका उत्तर क्या है दोस्तों, जो पिछला सवाल था कि भाई प्रचंड हेलीकॉप्टर लड़ाकू हल्का हेलीकॉप्टर जो है उसकी उसको कहां पर किस एयरबेस पर स्थापित किया गया है, तो उसका सही जवाब है दोस्तों क्या, जोधपुर। तो ठीक है साथियों, नेक्स्ट अपने अगली क्लास में मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।